जोहार झारखंड, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। और आज के सत्र में हम बात करेंगे CDPO एग्ज़ाम के संदर्भ में। JPSC ने CDPO की वैकेंसी निकाली है, जिसमें 64 महत्वपूर्ण पोस्ट हैं और बहुत सारे जो झारखंड के स्टूडेंट हैं या झारखंड के बाहर के भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि CDPO का जो एग्ज़ाम है ये तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो JPSC जो मेन एग्ज़ाम जो होती है, सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है, उससे ये तुलनात्मक रूप से आसान है। तो अगर आप पे CDPO एग्ज़ाम की बात करते हैं या CDPO एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसको JPSC ने निकाला है, तो थोड़ी सी चर्चा इसके जो पाठ्यक्रम है उस पर करेंगे और फिर इसके अंतर्गत हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि एक संतुलित दृष्टिकोण आपका क्या होना चाहिए, कैसे आप इस परीक्षा की बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तैयारी करें और फिर इसमें सफलता प्राप्त करें। तो जो CDPO एग्ज़ाम JPSC लेने वाली है इसके अंतर्गत तीन प्रमुख चरण है, ये बात ध्यान में रखना है कि एक तो PT का चरण है जिसको प्रिलिमिनरी टेस्ट हम बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा कहते जिसको बोलते हैं। दूसरा जो चरण है ये मेंस का चरण है और तीसरा जो इसके चरण है, स्टेज है, ये है इंटरव्यू, राइट। तो एक एक करके हम तीनों ही चरण की बात करेंगे जिससे आप क्लियरली इस बात को समझ जाएंगे कि आखिर आप पे अगर इस CDPO एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो फिर आपको क्या क्या करनी है। जो PT का एग्ज़ाम है इसमें आपके लिए दो पेपर है, एक तो फर्स्ट पेपर और दूसरा जो है सेकेंड पेपर, राइट। ये बात ध्यान में रखिए कि इसके अंतर्गत हमें दो पेपर का एग्ज़ाम देना है और इसका नेचर जो है ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके अंतर्गत रहेंगे। और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर होगा उसके लिए 100 मार्क्स और जो सेकंड पेपर है इसके लिए भी आपको 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है। तो कुल मिला के 200 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है आपको PT के अंतर्गत देना है। और इसके अंतर्गत विषयों का भी डिवीज़न है, जैसे फर्स्ट पेपर में इंडियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट है, राइट, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। तो एक तो इसका सेक्शन है यानी भारतीय इतिहास, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीनों सेक्शन आपको देखनी पड़ेगी। और फिर दूसरा जो है सेक्शन जिसके अंतर्गत आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक हैं, यानी भारत का संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था। और तीसरा जो टॉपिक इसके अंतर्गत है वो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी जो है इंडिया का भी पढ़ना है, वर्ल्ड का भी पढ़ना है, टोटलिटी में आपको पढ़ना है। और चौथा सेक्शन जो है ये झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड से रिलेटेड टॉपिक के अंतर्गत झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये संस्कृति, सभी चीज़ें आपको फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। यानी फर्स्ट पेपर का जो नेचर है उसमें ज़्यादातर सोशल साइंस इसके अंतर्गत लिए गए हैं और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। दूसरा जो सेक्शन है PT के एग्ज़ाम के अंतर्गत, उस दूसरे सेक्शन के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंतर्गत करंट अफेयर को शामिल किया गया है, यानी करंट अफेयर ये
इंटरनेशनल और नेशनल और झारखंड भी आपको ध्यान में देना होगा। और सेकंड सेक्शन इसका जो है, इसके अंतर्गत विज्ञान को शामिल किया गया है, यानी साइंस से रिलेटेड जो विषय वस्तु हैं उन विषय वस्तु को आपको देखनी होगी। और थर्ड जो सेक्शन है, इसके अंतर्गत मेंटल एबिलिटी को रखा गया है, यानी एक तरह से ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर CDPO एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो वहाँ पर मेंटल एबिलिटी के पहलू भी हैं। इसका मतलब है कि कुछ मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत रहेंगे। तो कुल मिला के ये आपका जो है PT का सिलेबस है। मेंस के सिलेबस के अंतर्गत एक पेपर जो है आपका, ये सब्जेक्टिव इसका नेचर है, पहले ये ध्यान में रखना है कि इसका नेचर क्या है, सब्जेक्टिव है। और इसके अंतर्गत पहला जो पत्र है ये हिंदी जो है लैंग्वेज का है और ये क्वालिफाइंग है, राइट। मतलब कि ये 100 नंबर का पेपर होगा, उस 100 नंबर के अंतर्गत आपको 30 मार्क्स प्राप्त करना है, और अगर आप 30 मार्क्स प्राप्त करते हैं तो फिर आप क्वालिफाई हो जाते हैं। दूसरा जो इसके अंतर्गत सेक्शन है, इसके अंतर्गत जनरल स्टडीज को पढ़ना है, समान अध्ययन को पढ़ना है, और इसके दो पेपर हैं, यानी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अब देखिए, इसको ध्यान से इस बात को समझिए कि जो लोग बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पहले दिया करते थे, यानी BPSC का जो सिलेबस पहले हुआ करता था, सेम उसी पैटर्न पर मेंस का सिलेबस है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट जो पेपर है GS का, इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपको फर्स्ट जो सेक्शन है, इस फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत आपको इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट भी है, है ना, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। सेकंड जो है इसके अंतर्गत फिर करेंट अफेयर है यहाँ पर, है ना, जिनको BPSC का सिलेबस थोड़ा सा ध्यान में होगा उनको मालूम होगा कि BPSC के अंतर्गत भी जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस हुआ करता था, उस फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अंतर्गत, GS की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और बिहार का भी, यहाँ झारखंड का ध्यान में रखना है कि झारखंड से जो करेंट अफेयर होंगे वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे। और थर्ड जो सेक्शन ग्रुप इसके अंतर्गत है, उसके अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स को रखा गया है, यानी कि ये पेपर जिसका वेटेज है 100 मार्क्स, आप इसके माध्यम से अगर आप इन तीन पहलू को तैयार करते हैं तो इस तीन पहलू के माध्यम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और सेकंड पेपर जो GS का है, उसका पहला सेक्शन क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान फर्स्ट है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके अंतर्गत जो है आपको ज्योग्राफी और प्लस इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स के पहलू होते हैं। और थर्ड के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो सेकेंड पेपर जो आपका GS का है, इसके अंतर्गत फिर तीन महत्वपूर्ण सेक्शन है। और इसके अलावा थर्ड जो ग्रुप है मेंस के अंतर्गत, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, उसमें से आपको
किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना है ऑप्शनल के अंतर्गत, एक तो साइकोलॉजी यहाँ पर है, दूसरा सोशियोलॉजी है, तीसरा जो है आपके पास ऑप्शन है LSW और चौथा ऑप्शन है होम साइंस, राइट। आपको आपके पास विकल्प है कि आप इनमें से किसी भी एक विषय को चयनित कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख लेंगे, देखो ऑप्शनल पेपर का बहुत ज़्यादा इसमें वेटेज है, क्योंकि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है इसमें दो पेपर है, एक तो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, राइट। और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 200 मार्क्स है, राइट। यहाँ भी 200 मार्क्स, तो कुल मिला के 400 नंबर के जहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वहीं 200 नंबर के हमारे पास GS हैं और हिंदी तो क्वालिफाइंग है। तो जब कभी भी आप पे इसको टारगेट करें कि अंतिम रूप से आप कैसे चयनित होंगे, कैसे सिलेक्ट होंगे, तो अंतिम रूप से सिलेक्ट होने के लिए हमें यहीं से अपनी शुरुआत तो करनी है, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें से चार में से कोई एक विषय को आपको सिलेक्ट कर लेना है पहले से ही। चूँकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो वेटेज ज़्यादा होने के साथ साथ आपकी तैयारी भी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अब थोड़ी सी मैं आपको प्रकाश डाल दूँ, फोकस कर दूँ कि, और फिर इंटरव्यू जो है ये मात्र 50 मार्क्स का है, राइट। अब ये है कि अगर आप इसको टारगेट करते हैं, ये सिलेबस है आपका, तो तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर दैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू CDPO एग्जाम्स ऑफ झारखंड, हाउ टू प्रिपेयर। तो एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये अगर हम सारा चीज़ को ले लें, ये साइंस इधर से ले लें और ये सेक्शन ले लें, तो इन सारे सेक्शन की तैयारी आप अगर एकदम नए हैं तो NCERT के बुक से आप शुरू करेंगे और उसमें 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास, राइट, इससे ही आप अपनी शुरुआत करेंगे। कई बार क्या होता है कि आजकल विद्यार्थियों में इस तरह का अप्रोच डेवलप कर गया है कि वो शुरू कर देते हैं गाइड बुक पढ़ने और अदर बुक पढ़ने शुरू कर देते हैं, जबकि अधिकांश प्रश्न जो है NCERT से आता है, और इसलिए NCERT के पुस्तकों को अगर आप बेहतर तरीके से यहाँ पर पढ़ते हैं तो ये आपको यहाँ पर भी हेल्प करेगा, जहाँ पर आप इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ेंगे या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे या ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये मदद करेगा। मेंटल एबिलिटी के लिए आप रीजनिंग और मैथ का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको बेहतर यहाँ से हो जाएगा, बेहतर आपको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मेंस की जो तैयारी है, जो कि सब्जेक्टिव है, आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप न केवल विषय वस्तु को बेहतर तरीके से समझें, बल्कि आपके पास बेहतर आंसर राइटिंग हो। और इसलिए सब्जेक्टिव प्रश्न की जब आप तैयारी करने जाते हैं तो आप पे अगर आपको संभव हो कि कोई ऐसा मार्गदर्शक जो आपको बेहतर राइटिंग सिखा सके, आप उसके निर्देशन में अगर आप तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा, और फिर आप ऑप्शनल की तैयारी बहुत ही गंभीरतापूर्वक आपको करनी होगी। अगर आप ये सारे वर्क करते हैं तो फिर आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी और इस तरह से आप CDPO की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।